फ्रेंड, आज हम अपने टैरेट गार्डन से हार्वेस्ट करने वाले बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड? बॉटल गार्ड को हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है तनु, बताइए आप। बॉटल हिंदी में लौकी बोला जाता है। और ये हमारे छत पे कंटेनर गार्डनिंग हो रही है और इस पे लगी हुई है लौकी। बॉटल गार्ड बॉटल गार्ड होते हैं और केक भी होते हैं। हाँ, तनु जो है हमारा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ये देखिए कि ये है गोल बॉटल गार्ड। गोल बॉटल गार्ड है, यस। तनु हमारा बॉटल गार्ड तोड़ रहा है। हाँ, तोड़ो। और ये देखिए कितना प्रेस है। क्या तोड़ा तनु ने? बॉटल गार्ड देखो तोड़ लिया है। और हम लोग ने तोड़ा है स्पिनच, मालाबार स्पिनच, एमरैंथस और ये लौकी तोड़ रहे हैं हम, ठीक है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है ना, आज शाम को ये दोनों जो है, ये छोटे छोटे जो आपको फल दिख रहे हैं, ये दोनों भी खिल जाएंगे। और ये गोल वाला है और इसको मैंने लगा के रखा है ये कंटेनर में, ठीक है। तो ये देखिए छोटा सा कंटेनर है जहाँ पर कि दो पौधे लगे हुए हैं। साथ में हमने पॉलीथीन में लगा के रखा है, देखिए, टमाटो और ये मूली है। देखिए एक छोटी सी मूली, ये भी तनु ने लगाया है। यहाँ भी टोमेटो के पौधे तैयार हो रहे हैं। जो खुद से पौध हो जाते हैं ना, उनको मैं ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ किसी पॉली बैग में, और जब ये बड़े होने लगते हैं तो जहाँ मेरे को लगाना रहता है वहाँ पर मैं शिफ्टिंग कर देती हूँ। और ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है मूली, इसको नीचे रख दो। देखिए नहीं, हार्वेस्ट अभी नहीं करना, अभी छोटा छोटा है। और ये देखिए, और बहुत ज़्यादा धूप है अभी तो। ये देखिए, ये यहाँ पर ना 7 मूली लगी हुई है छोटी। ये मौसम्बी का मेरा प्लांट है और इसमें तनु ने सीड लगा दिए थे और इसमें जो है मूली बैठ गया है, तो हम इसको निकाल नहीं रहे हैं कि मूली लग जाएगा तो ये तो एक महीना में तैयार हो जाएगा और इसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा, यहाँ पर भी हमारा एक लौकी लगा है। ये लंबा वाला लौकी है जिसमें कि अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया, अभी फ्लूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए इसके छोटे छोटे फ्लावर्स दिख रहे हैं और इसी में तरोई लगी हुई है जो कि बहुत कुपोषण से भरा हुआ है। और साथ में हम अभी हार्वेस्ट करने वाले हैं मालाबार स्पिनच, और ये ब्लैक वाला मालाबार स्पिनच है, देखिए। और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इसमें देखिए अब ना फ्लावर बनना चालू हो गया है। ये देखिए ये फ्लावर बनना चालू हो गया है, तो अभी हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेने वाले हैं। तो हमने नीचे से भी थोड़ा हार्वेस्ट किया था। आ जाओ, कैंची ले लेके आ जाओ जल्दी, तो बहुत धूप है और फिर शाम को बारिश हो जा रही है। तो देखो हम मालाबार स्पिनच तोड़ रहे हैं, साथ में मैं भी तोड़ लेती हूँ क्योंकि तनु का जो है हार्वेस्टिंग जो है बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और इसमें ना फ्रूटिंग स्टार्ट, ये देखिए इसमें बीज बनना चालू हो गया। तनु को थोड़ी सर्दी हो गई है, तनु बोल रहा, तनु को सर्दी हुई, देखिए छात्रा लेके आया है अपना। और ये हम तोड़ रहे हैं और देखिए बहुत खून बढ़ाता है जो मालाबार स्पिनच होता है ना, ये बहुत खून बढ़ाता है, रेड वैरायटी है ये। हाँ बेटा, तनु खाता है। देखिए बहुत बड़े बड़े पत्ते और इसके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर इसको नहीं खाते हैं तो ये बहुत हेल्दी होता है, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत खून होता है। तो ये देखिए, ये हमारी एक दिन के आलू डाल के, नहीं तो ऐसे ही सब्जी हमारी बन जाएगी टमाटर डाल के। कितना बड़ा बड़ा है। और दिखाओ, फिर से दिखाओ, ये देखिए इसमें कुछ बेबी भी है और बड़े भी है। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने छत में भी कुछ अमेरैंथस और सब गमलों में मैंने टमाटर लगा के रखा हुआ है। और यहाँ भी एक मूली है, एक एक मूली है कि बड़ी हो जाए। तो इसमें कुछ कीड़े लूँ कीड़े चल दिए हैं, तो हम भी इनको देखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं मूली आपको दिखा रही थी, कितने अच्छे से हो रहे हमारे मूली और बैठने लग गए हैं। और ये गमला में लगा है, तो आप गमला में बहुत आसानी से मूली लगा सकते हैं और मुझे लगता है ये एक सप्ताह में तैयार हो जाएंगे क्योंकि अच्छे मोटे मोटे हो गए हैं। देखिए इसको मैं आपको दिखा दूँ, ये किस में लगे हुए हैं। ये एक मौसम्बी का पौधा है और उसी में हमारे मूली लगे हैं और बहुत अच्छे से आप तैयार हो रहे हैं। देखिए दिख रहे हैं ना आपको मूली, दिख रहा है ना आपको? तो हमारे मूली भी तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आज का जो किचन गार्डनिंग है वो आपको अच्छा लगा होगा, हार्वेस्टिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू बाय। फ्रेंड्स ये देखिए ये कुछ मूली लगे हैं और मूली मैं दिखाती हूँ छत में, जिसके अंदर जो है मूली बैठने लग गया है। ये है आपका स्पंज गार्ड और स्पंज गार्ड यहाँ पर मिर्च लगाई है मैंने, ये क्यारी है और क्यारी में ही लगा दिया है। और ये हमारा चढ़ रहा है करेले की बेल, तो दो पौधे मैंने लगाए हैं जो दोनों करेले की बेल अभी अच्छी चढ़ने लग गई है। तो बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी झूल गई है, नहीं तो करेले की बेल बहुत अच्छी चढ़ गई। और यहीं पर मैंने ये मिर्च के बीज मेरे बच्चे ने डाल दिया था, तो ये मिर्च के छोटे छोटे पौधे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो मैं इनको सबको सेपरेट कर दूँगी। ये यहाँ पर बरबट्टी लगी हुई है और हम तोड़ने वाले मालाबार स्पिनच, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये देखिए इसको तोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है मालाबार स्पिनच मैंने तोड़ दिया है, और ये जो मुलायम मुलायम जो डंठी होती है उसको भी मैंने तोड़ दिया है। तो ये हमारा मालाबार स्पिनच है। उसके बाद कुछ हम ये अमरांथस भी तोड़ लेते हैं। तो मैं तोड़ूंगा यार। हाय गाइस, मैं भी तोड़ रहा हूँ अपने मम्मी के साथ। हाँ तुम पौधा नहीं टूटा है। तोड़ लिए हैं हम। मूली भी लगाई हुई है यहाँ पर देखिए। हमें मूली तोड़ ले हैं। नहीं मूली अभी नहीं तोड़ रहे, ऊपर जाके दिखाती हूँ मैं आपको मूली।